मैं खुद इस तथ्य से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का। फिल्म बलवान 2 से फैंस की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बलवान 2 के बारे में क्या कह रहे हैं व्यूअर्स? इस फिल्म के बारे में क्या क्या फैन थ्योरीज बन रही हैं? हेलो नमस्कार, मैं अनविता स्वागत करती हूँ आपका बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। दोस्तों, जब से बलवान 2 के आने की खबर आई है तब से ज्यादातर लोग तो काफी खुश नजर आ रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ही थ्योरीज बना रहे हैं इस फिल्म की कहानी और कास्ट को लेकर। जब भी किसी नई फिल्म के आने की खबर आती है तो फैन थ्योरीज बनना तो काफी लाजमी है। मूवी के रिलीज होने पर कुछ थ्योरी सच हो जाती है और कुछ तो बहुत ही बेतुकी साबित हो जाती है। बलवान के इतने सालों बाद इसके सीक्वल की खबर सुनकर तो कुछ ज्यादा ही फैन थ्योरीज बनने लगी हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि सबसे अनोखी फैन थ्योरीज क्या रही हैं और क्या वो सच साबित हो सकती हैं या नहीं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस फिल्म की कहानी में अलग ही ट्विस्ट और टर्न्स होंगे, कुछ लोगों का ये मानना है कि एक मर्डर मिस्ट्री नहीं होगी बल्कि इस फिल्म में किडनैपिंग का केस होगा जिसमें पुलिस ऑफिसर अर्जुन सिंह उसे सॉल्व करेंगे और यही होगी उस फिल्म की हीरोइन जिसे वो किडनैपिंग से बचाएंगे। वैसे तो ऐसी कहानी की फिल्में हमने पहले भी देखी हैं, पर ये बलवान का सीक्वल होने वाला है तो इसमें कुछ हटके बात तो जरूर होगी। फिल्म की कहानी के अलावा कास्ट को लेकर भी काफी थ्योरीज बन रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजकुमार राव और अनुष्का शर्मा इस फिल्म में हमें लीड रोल में दिख सकते हैं, लेकिन कुछ फैंस का ये कहना है कि अनुष्का शर्मा की जगह इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा को कास्ट किया जाने वाला है क्योंकि अनुष्का अपने निजी कारणों से फिल्म नहीं कर पाएंगी। पर इस बारे में फिल्म के मेकर्स ने अभी तक कुछ कहा नहीं है, इसलिए ये एक मामूली थ्योरी बनकर रह गई है। सबसे अनोखी थ्योरी तो ये सुनने में आ गई है कि इस फिल्म में अर्जुन सिंह हीरो नहीं बल्कि विलेन के रूप में भी नजर आ सकते हैं। मतलब ये तो हद हो गई, फिल्म के हीरो को ही लोगों ने विलेन बना दिया। इतनी अनोखी सोच के साथ अगर फिल्म के मेकर्स इस फिल्म की कहानी को लिखने बैठे तो फिर तो हो गई बात। वैसे तो जब तक इस फिल्म के बारे में मेकर्स कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करते तब तक ऐसी फैन थ्योरीज बनती ही रहेंगी, पर इस फिल्म से जुड़े और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहिए बॉलीग्रेड के साथ। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड की मजेदार जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मधुरिमा ने। दिस इज अनविता साइनिंग ऑफ, सायोनारा।